वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? आज फ्राइडे है और अभी 7 बज रहे हैं, मतलब 7 बज चुके हैं, हाँ 7:15 बज रहे हैं। और आज सुबह से ही ना हमारे यहाँ बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, क्योंकि सुबह से ही पूरा दिन आज बारिश वाला ही था, पूरा दिन आज बारिश ही थी। पर फिर भी आज मैंने अपने बालों में लगाई थी मेहंदी, क्योंकि मैंने 2 दिन से भिगो कर रखी थी, तो आज लगाऊंगी कल लगाऊंगी ऐसे कर करके आज मैंने आखिरकार लगा ही ली। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था लगाने का, क्योंकि बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया था बारिश की वजह से। पर एक दिन भी अगर मैं ज़्यादा रखती मेहंदी को तो शायद वो ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने आज सुबह मेहंदी लगाई थी। और देखो मेहंदी की वजह से बालों में कितनी अच्छी शाइन भी आ गई है। और मेहंदी से ना बाल कंडीशनिंग भी अच्छे से हो जाते हैं और अच्छे से ग्रो भी हो जाते हैं, तो मैं मेहंदी हमेशा ही यूज़ करती हूँ। और मेहंदी में अगर आप अंडा भी डाल देना एक, तो वो तो बालों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है अंडा, तो उससे भी बाल है ना अच्छे ग्रो करते हैं। आदित्य के पापा अभी आए नहीं हैं ऑफिस से, आज थोड़ा सा लेट हो गया उनको, तो उनके आने से पहले मैं अभी बनाऊंगी डिनर। तो अभी उनका फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले कि वो आ रहे हैं, तो बस अभी मैं डिनर बनाऊंगी। और सुबह के बर्तन भी है जो साफ़ करके रखे थे, उसको भी अरेंज करके रखना है। तो चलिए चलते हैं किचन में काम करने। तो सबसे पहले मैं रखूँगी बर्तनों को, उसके बाद मैं बनाऊँगी डिनर। पालवी क्या कर रही है? मेरा चैनल देख रही है। खाने में क्या बनाऊँ? खाने में अभी डिसाइड नहीं किया मैं, क्या बनाऊँ तुम बताओ। आलू। आलू? हाँ। आलू बड़ा पसंद है तुझे, जब देखो तब। आज सुबह ही तो आलू के पराठे खाए। आलू के नहीं, वो गोभी के थे। अरे तो गोभी के थे पर उसमें आलू भी था। क्या कर रहे हैं? अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो सबसे पहले तो मैं आटा तैयार करके रख देती हूँ, ताकि इसको अच्छे से 10-15 मिनट तक मैं रख सकूँ, और इससे क्या होगा रोटियाँ फिर अच्छे से सॉफ्ट बनती है। तो फिर आटा तैयार कर लेती हूँ। मैं बना रही हूँ इसकी सब्जी, ये है मूंग वड़ी। ये सब्जी एक्चुअली महाराष्ट्र में ज़्यादा बनती है, जो भी मेरी तरह महाराष्ट्रियन है उनको पता ही होगा ये मूंग वड़ी। इसको सांडगे भी बोलते हैं, और इसकी सब्जी ना बहुत टेस्टी बनती है। जब भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सब्जी का, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इसकी सब्जी मैं अभी बनाऊंगी। और ये मूंग दाल से ही बनती है। मूंग दाल को पहले भिगोया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है अच्छे से, जहाँ बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा जाता, थोड़ा सा मोटा मोटा ही पीसते हैं। और उसमें लहसुन डालते हैं, जीरा डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, नमक डालते हैं, और उसको फिर ना छोटे छोटे इस टाइप के टुकड़ों में फिर सुखाया जाता है अच्छी धूप में। और अच्छे से सूखने के बाद फिर इसको है ना स्टोर करके रखते हैं। तो यही होती है मूंग वड़ी। तो इसी की सब्जी मैं अभी बनाऊंगी। और इसकी सब्जी बनाना बहुत आसान है, जिस टाइप से हम बाकी सब्जियां बनाते हैं सेम उसी टाइप से ये बनती है, बस इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो मूंग वड़ी थी ना, ये बहुत बड़ी बड़ी थी,
तो इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, थोड़ा सा फोड़ लिया है, क्योंकि पकने के बाद वो है ना और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीस उसके कर लिए हैं। हो चुकी है, अब मैंने इसमें डाल दिया है तेल। तेल गरम हो गया है, अब डाली है राई, जीरा, प्याज, लहसुन, तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए मैंने है ना प्याज डालते ही प्याज थोड़ा सा जल गया, तो आप इतना मत जलाइएगा। तो अभी मैंने डाला है नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आप चाहे तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं बारीक कटा हुआ, मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने डाला नहीं। बस अब इसमें डालना है पानी, तो बस अभी इसको हमें ढककर रखना है, जब तक ये वड़ी सॉफ्ट नहीं होती तब तक हमें इसे पका लेना है। सब्जी बन रही है और ये सब्जी पकने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, और आदित्य के पापा अभी तक आए नहीं ऑफिस से, आज कुछ ज़्यादा ही काम आ गया उनको। और मैं है ना ज़्यादातर स्टील के बर्तन ही यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए वगैरह। मेरे पास पहले ना इस जर्मन के बर्तन थे, कढ़ाई वगैरह, पर मैंने वो सब रिप्लेस करके ना अभी स्टील के ही बर्तन ले लिए सब। स्टील के बर्तन में खाना बनाना अच्छा रहता है सेहत के लिए। और जर्मन की बस मेरे पास एक कढ़ाई है, तो जिसका यूज़ मैं कभी कभार ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो ज़्यादातर मैं स्टील के बर्तन ही यूज़ करती हूँ। और ये स्टील की कढ़ाई ना फिर साफ़ करने में भी बहुत आसान पड़ती है। जर्मन के कढ़ाई में कैसे वो तेल की ऐसे परत चढ़ जाती है ना, तो फिर वो साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टील की कढ़ाई में आप यूज़ करके देखो, स्टील की कढ़ाई आप जब भी उसे घिसोगे ना तो पूरी तरह क्लीन हो जाती है। तो अभी बर्तन वगैरह सब मैंने देखो पूरा क्लीन करके रख दिया है, और
कपड़े आज के सूखे नहीं थे तो मैंने अभी किचन में सारे ऐसे डाल दिए हैं और ऊपर पंखा चला दिया है। और आज पूरा दिन बारिश का था, मतलब सुबह से लेकर पूरी अभी भी बारिश चालू ही है बाहर। तो कपड़े मैंने आज धोए लेकिन अंदर ही सुखाने पड़े, तो अभी रात भर ये सूख जाएंगे। और बस डिनर भी हमारा हो चुका था, आदित्य के पापा के आने के बाद हमने डिनर भी कर लिया था। तो बस आज का वीडियो यही था, और आप सभी को कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।